गाइस आज हम देखने वाले हैं माइनक्राफ्ट के लॉन्च ट्रेलर से लेकर नेदर अपडेट तक और देखेंगे कि भाई हमारा माइनक्राफ्ट पहले कैसे दिखता था और अभी कैसे दिखता है। सो यार ये है माइनक्राफ्ट का लॉन्च ट्रेलर जो सबसे पहले लॉन्च हुआ था। ये आप कहीं पे भी जा सकते थे माइनक्राफ्ट जहाँ पे लॉन्च हुआ था। केव है यहाँ पे बहुत ही स्टार्टिंग का। ओ भाई जब गेम लॉन्च हुआ था तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये गेम इतना ब्लो हो जाएगा कि मोस्ट डाउनलोडेड गेम में से एक हो जाएगा ये माइनक्राफ्ट। ओ भाई यहाँ पे बेस बिल्ड कर सकते थे, फार्म बना सकते थे। इन आप लोग भी कमेंट करके बताओ अपने माइनक्राफ्ट के स्टार्टिंग के डेज की, भाई जब आपको माइनक्राफ्ट पहली बार पता चला था तो आप क्या करते थे। मैं तो बस ऐसी ब्लॉक्स का घर बनाता था और उस पे खिड़की गेट वगैरह लगा के बस घर के अंदर ही बैठा रहता था मैं। यहाँ का डेजर्ट है ये। वो ये जिसने भी बनाया ना पहले डेज में, वो रोलर कोस्टर भी आता है यहाँ पे। जोम्बी को मारते हैं सबसे पहले। ओ यहाँ पे क्रीपर भी है, कहीं पे भी जा सकते थे माइनक्राफ्ट। वो क्या बढ़िया डेज होते थे ओल्ड वाले हमारे। और अभी हम देखने वाले माइनक्राफ्ट के 1.11 अपडेट और इसमें टोटम ऑफ अंडाइंग आए थे जिससे हम बिल्कुल मर ही नहीं सकते और साथ ही साथ एक्सप्लोरेशन मैप्स वगैरह आए थे, ऑब्जर्वर आया था, साथ ही साथ शल्कर बॉक्स आया था और उसी के साथ भाई एक और वुडलैंड मैंसन और लामा भी आए थे। सो यार देखते हैं कि वो पहले कैसे दिखते थे। ओके अभी तो ये फिलहाल बैडलैंड बायोम वगैरह का एक्सप्लोरेशन करवा रहे हैं और ये जंगल बायोम है। यहाँ पे लोग क्या ट्री हाउस वगैरह बना रहे हैं स्टीव। ओके ये लामा भाई पहली बार इंट्रोड्यूस 1.11 में हुए थे और साथ ही साथ भाई यहाँ पे हमको एक्सप्लोरेशन मैप भी मिल जाता था और यहाँ पे इसने भाई वुडलैंड मेंशन का मैप लिया और भाई इतने ज़्यादा लामा आए थे ये तो भाई वैसे ट्रेडल वाले लामा। और मेरे को पता नहीं था कि मैं लामास के बगल में चेस्ट रख सकते हैं जिसमें हम कई सारे आइटम रख देंगे। वाओ इतने रंग बिरंगे, वाओ। और ये रहा भाई अपना वुडलैंड मेंशन और यू नो इसके अंदर ही हम लोग को टोटम वगैरह मिलते थे इनको मारने के बाद प्लेजर वगैरह को। और भाई ये डैमेज बहुत खतरनाक करते हैं और ये भाई विच इसको कौन ही भूल सकता है। ये इतने अनोइंग है ना भाई कि ये चिड़िया विड़िया फेंकता रहता है जो कि भाई पता नहीं बिल्कुल मरते ही नहीं है, एकदम हार्ड रहता है। और यहाँ से भाई हम लोग को टोटम ऑफ अंडाइंग मिल सकता है। और ये रहा हमारा भाई एंड सिटी, यहाँ से जो कि हमको भाई शल्कर मिल सकता था जिससे हम शल्कर बॉक्स बना सकते थे और शल्कर बॉक्स में कुछ भी आइटम करके हम इधर उधर ले जा सकते थे जो कि बहुत ज्यादा गेम ईजी कर दिया था। और अगर यहाँ पे मगर मरने की सिचुएशन आई तो भाई पहले का टोटम ऑफ अंडाइंग देखो भाई कैसे दिखता था और अभी का तो बहुत बढ़िया दिखने लगा। पहले का तो बिल्कुल ही डिफरेंट दिखता था यहाँ से और यहाँ से भाई हम बच जाते थे पूरा। तो अभी हम देखने वाले माइनक्राफ्ट के 1.12 अपडेट और इसमें कलर ब्लॉक्स आए थे। सो यार देखते हैं भाई इन लोग ने कलर ब्लॉक्स का कैसा ट्रेलर डाला है। वो जब इन लोग ने भाई कलर ब्लॉक्स इंट्रोड्यूस किया ना तो पूरा कलर ही कलर दिखाने लगे क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी बता सकते हैं। वो भाई इन लोग ने पूरा रंगोली वगैरह बना दिया है पूरे कलर ब्लॉक्स को दिखा के कि भाई ये चीज़ बना सकते हो आप लोग। और कलर ब्लॉक्स डाल के भाई बहुत बढ़िया चीज़ हुआ। मैंने भी भाई बहुत सारे बुल्ड तो नहीं कुछ बुल्ड बनाए जिसमें मैंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं और यहाँ पे भाई प्लैनेट वगैरह में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लगा सकते हैं। और जैसे कि ये देख सकते हो भाई बीकन में भी रेनबो इफेक्ट है जो कि कलर ग्लास पैनल का यूज़ किया गया है यहाँ पे। वो जो वर्ल्ड देखने में लगा है भाई काफ़ी मेहनत की है जो भी डेवलपर हैं इन लोग बनाने के लिए ट्रेलर बनाने के लिए। देख सकते हो भाई कितने मैसिव वर्ल्ड वगैरह है। वो भाई पूरा सोसाइटी बना दिया इन लोग ने, पूरा घर डिफरेंट डिफरेंट। वो ये क्या है भाई, पूरा महल है क्या ये? वो बीच में क्या है, ये नदी है क्या है, फाउंटेन टाइप का कुछ है क्या? यहाँ पे पिलर्स दिख रहे हैं मेरे को बहुत। वो इमेजिन करो ऐसा बिल्ड मैं अगर बनाऊं कभी अपने वर्ल्ड में जो कि आई डोंट थिंक सो कभी बनाऊंगा मैं, बहुत हार्ड रहते हैं ये। ओ भाई पैरेट वगैरह बना दिए इतना जाइंट स्टैच्यूज का। यप 1.12 में आया था वर्ल्ड ऑफ कलर वाला अपडेट। तो अभी हम देखने वाले माइनक्राफ्ट के 1.13 का अपडेट और इसमें भाई एक्वेटिक का अपडेट आया था। यहाँ पे भाई इन लोग ने डॉल्फिन वगैरह ऐड कर दिए, ये ऐसे ब्रीदिंग पोशन है राइट, वाटर ब्रीदिंग का पोशन। और यहाँ पे अभी समुद्र में जंप करेंगे। ये अपडेट एक्वेटिक। ओ भाई यहाँ पे लोगों ने रीफ्स वगैरह डाल दिया है, कोलर रीफ्स वगैरह। डॉल्फिन यहाँ पे आए हैं और भाई यप ये शिप है, शिप रैक वगैरह जिसमें चेस्ट मिलते हैं हम लोग को। यप देखते हैं इनको क्या मिला है। ओ ट्रेजर मैप मिला है इन लोग को। वो भाई देखने में वो भाई लोग खड़े हैं क्या यहाँ पे? ओके तैर भी सकते हैं, मैं वही बोला यहाँ पे माइनक्राफ्ट में से खड़े कैसे हैं इन लोग। वो क्या बढ़िया ट्रेलर बना है भाई इन लोग को देखने में वैसे तो। वो भाई ये चीज़ मैंने माइनक्राफ्ट में अभी पूरे जितने भी मैंने माइनक्राफ्ट खेले ये चीज़ नहीं देखा। ये ऑक्सीजन जैसे जा रहा है ना, ये ऐसे इन लोगों ने नीचे वो लगाया होगा मैग्मा ब्लॉक्स लगाया होगा ऐसे इन लोगों ने। ओके टायरेंट वगैरह यहाँ के आया था यहाँ पे जो कि भाई टायरेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक था। ओके अभी लोग अच्छा ट्रेजर लेने जा रहे हैं ट्रेजर मैप का यूज़ करके।
और यहाँ पे ये मिल गया था भाई, हार्ट ऑफ द सी, जो कि आज तक मैंने यूज नहीं किया है। पता नहीं इससे क्या होता है, आई डोंट नो इससे क्या होता है, मेरे को देखना पड़ेगा भाई इससे क्या होता है। वो अंडर वाटर बेस बना रहे हैं क्या इन लोग? तो अब हम देखने वाले हैं माइनक्राफ्ट का 1.14 अपडेट, और इसमें वही विलेजर्स और प्लेजर्स का अपडेट आया था, और ये एक सिनेमैटिक अपडेट है, तो हम लोग काफी एंजॉय करने वाले हैं। और भाई ये पहला सिनेमैटिक ट्रेलर है इन लोग का भाई, जहाँ पे इन लोग ने इतना बढ़िया बनाया ट्रेलर को। लामा ने भाई डॉग पे थूक दिया, ये अब क्या बढ़िया तरीका है विलेजर को इंट्रोड्यूस करवाने में, सब नाच रहे हैं यहाँ पे। विलेज वगैरह पूरे भाई, विलेजर वगैरह, कैट वगैरह यहाँ पे पूरा। विलेजर का अपडेट भाई लिटरली लाइफ सेवर था, क्योंकि हम विलेज से बहुत कुछ ट्रेड कर पाते थे, और जो कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बचाता था। ओ यहाँ पे भाई विलेजर्स आ चुके पूरे भाई रेड करने बेस में, एंड यहाँ हम मेन कैरेक्टर हैं जो कि विलेजर के साइड होते हैं, तो हमेशा हम ही जीतेंगे। वो लेकिन ट्रेलर देखने में क्या बढ़िया लग रहा है, वो हम जीत गए और इन लोग ने हमें बहुत ज्यादा लूट दिया है। तो अभी हम देखने वाले हैं माइनक्राफ्ट का 1.15 अपडेट, सो ये भी एक सिनेमैटिक ट्रेलर, सो देखते हैं इसको। ओके तो यहाँ पे बी वगैरह घूम रहे हैं, और भाई कितनी रिलैक्सिंग लगते हैं भाई माइनक्राफ्ट के ट्रेलर्स देखने में। हालांकि माइनक्राफ्ट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है अभी भाई, मैसिव वर्ल्ड वगैरह बना रहे हैं, लेकिन वो भी क्या दिन थे भाई पहले वाले, जो कि हम लोग सीधे रिलैक्स करके खेलते थे, हम लोग को बुल्ड वगैरह कुछ भी नहीं आता था, बस इंजॉय करते थे माइनक्राफ्ट। वो पूरा ड्रोन शॉट दिखा रहे हैं क्या, इस ड्रोन टाइप का, और बीज वगैरह कितने क्यूट दिख रहे हैं भाई। ओ यहाँ पे इसने भाई फूल से जो भी ले लिया भाई, और शायद से ही हनी बनाएंगे जाके। वाट क्या ये करते थे क्या हनी भी? नहीं भाई फार्मिंग में बिल्कुल मदद नहीं करते था ना शायद से। हनी कोम्ब है यहाँ पे। वो भाई लोग ने क्या बढ़िया ट्रेलर बनाया हो भाई पिलेजर से सामना। ओके मेरे को लगा कि किसी बीबी पे हिट हो जाता वो। पिलेजर को दूर भगा दिए। वाह गुड वेल डन बीस, जस्ट लुक एट दिस भाई, कितना पीसफुल दिख रहा है ये माइनक्राफ्ट, रात का सीन है अभी। वो अभी इन लोग अपने बिल में घुस जाएंगे, जो कि इन लोग का हनी भी है। तो अभी हम देखने वाले हैं माइनक्राफ्ट का 1.16 अपडेट, जो कि बिगेस्ट अपडेट है माइनक्राफ्ट का, जिसमें भाई पूरा इन लोग ने नेदर ले आया था। एनिमेटेड ट्रेलर में नेदर कैसे दिखता है? ओके तो इन लोग ने ऑब्सीडियन लगा दिया, फ्लेंट से यहाँ पे नेदर इन लोग ने बना दिया, दोनों घुस पड़े यहाँ पे ये आप। लेकिन इन लोग के सामने भाई खतरनाक चीज आने वाला है, लावा लावा हर जगह, एंडरमैन घूम रहे हैं, मौत हर जगह, हर एक स्टेप में मौत है। पिगलिंग्स वगैरह एरो वगैरह मारने लगे ना। वो अभी शील्ड के साथ आ गए, इसमें भी थोड़ा स्ट्रगल, बट शील्ड से थोड़ा हेल्प हुआ, शील्ड वगैरह और आर्मर से। पिगलिंग्स आ गए यहाँ पे। ओ भाई पिगलिंग्स ने मार दिया। ओ पिगलिंग से ट्रेडिंग का है क्या? यप गोल्ड इन लोग ने दिया, नहीं या अभी गोल्ड देंगे, पहले इन लोग ने रॉटन फ्लैश दिया था ना, अभी गोल्ड से बात मानते हैं इन लोग। और यहाँ पे गास्ट अपना भाई, ये बहुत ज़्यादा अनइंग करता है। ओके गोल्ड फार्म करते रहो। ओ ये सुअर भाई, ये आप इंजॉय करो यहाँ पे, इन लोग ने पूरा बेस ही बना दिया है यहाँ पे। ओ नेदरराइट भी आया था ना यहाँ पे नेदर पे, वो नेदरराइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है ये आर्मर। वो सबके सब पड़ चुके भाई अपन पे नेदर पे। वो देख सकते हो भाई पूरा भीड़ी भीड़, पूरा हर्ड्स आ गए पूरे नेदर के जो भी। वो और ये था कुछ अपना माइनक्राफ्ट का नेदर अपडेट, और यहाँ पे और भी ज्यादा अपडेट है माइनक्राफ्ट के 1.20 तक, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इतना ही देखेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके बताओ अगर आप लोग को पार्ट 2 चाहिए, सो या पार्ट 2 जरूर लाऊंगा। लेकिन भाई जो भी अपडेट देखा ना भाई, सब एक से बढ़कर एक थे, और सबसे फेवरेट मेरा भाई एक तो हनी बी वाला अपडेट लगा, क्योंकि हनी बीज वगैरह को उन लोग ने जो दिखाया काफी बढ़िया था, और ये नेदर अपडेट। सो अभी मैं चला दूसरे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, एंड अब काफी ज्यादा समय हो चुका मेरे को वीडियो ना डाले, क्योंकि मैं यही चेक कर रहा था कि भाई कौन सा वीडियो डाला जाए चैनल पे। 100 डेज तो मैं हमेशा डाल सकता नहीं हूँ, और मैसिव बुल्ड भाई मैं एक्चुअल में भाई बुल्ड वगैरह में कुछ अच्छा है हूँ नहीं हूँ, तो भाई यही सोच रहा था, डिसाइड कर रहा था कि भाई किस टाइप का कंटेंट डालना चाहिए, तो कुछ थोड़ा डिफरेंट ट्राई कर रहा हूँ। अगर आप लोग को पसंद आया तो कमेंट करके बताना, और ऐसे और रिएक्शन कॉन्टेंट चाहिए कि नहीं। सो मैं चला अभी दूसरे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।